सब्सक्राइब इंटेलेक्चुअल इंडीज एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। अभी रात की न्यूज है, किसी इंसान का सिर बदल दिया गया है। हाँ, हेड ट्रांसप्लांट हुआ है। अब वो चीज कैसे हो सकती है, इस चीज को आज समझ लेते हैं। यहाँ पे दो लाशों को लिया गया, दो कॉप्स को लिया गया। उसके बाद क्या किया गया, इनकी बॉडी को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया। अगर कहा जाए तो ये बॉडी ट्रांसप्लांट है, ये हेड ट्रांसप्लांट नहीं है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सिर को फ्रीज कर दिया -10 डिग्री सेल्सियस के अंदर, पर एकदम सिर को जमा दिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ की स्किन को काटा, उसके नीचे जो नसें जा रही है उन सबको एक स्पेसिफिक कलर दे दिया। एक रेड हो गई, एक ऑरेंज हो गई, ऐसी बहुत सारे अलग अलग कलर वाली नसें हो गई। साथ वाली जो दूसरी बॉडी थी उसके साथ भी यही सेम किया जा रहा था। मतलब दो बेड के ऊपर बंदे लेटे हुए, दोनों के ऊपर सेम प्रोसीजर चल रहा है। उसके बाद पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड थी उसको डायमंड कटिंग से काटा गया, मतलब एकदम प्रिसाइज तरीके से, परफेक्ट तरीके से काटा गया। उसके बाद इन्होंने बॉडी को एक्सचेंज कर दिया। इसके बीच में एक चीज का ख्याल रखा गया, जो ऊपर हेड था जिसको हमने जमाया था उसके अंदर से सारा खून निकाल दिया ताकि कोई क्लॉटिंग की दिक्कत ना आए। अब सबसे पहले इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ा, और भाई किससे जोड़ा, गम से, ग्लू से। वो चीज किससे बनी हुई थी, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। शायद आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना, बहुत कॉमन केमिकल है। तो बेसिकली ये टिश्यूज को जोड़ने में हेल्प करता है। तो इनका ऐसा कहना है कि जब ये जोड़े गए, यहाँ पे लगाए गए, तो वो ग्लू आपस में दोनों की रीढ़ की हड्डी को जोड़ने में हेल्प करेगी। उसके बाद क्या करना था भाई, जो जो कलर थे, रेड को रेड से जोड़ दिया, ग्रीन को ग्रीन से जोड़ दिया, सारे कलर को एक तरह से तारों की तरह बांध के जोड़ दिया। तो ये जो पूरा प्रोसीजर किया गया ये सक्सेसफुली हो पाया है। अब इनका अगला मिशन है कि भाई हम लाइव बॉडी के ऊपर यही सेम चीज करेंगे। इसके अंदर एक चीज बढ़ जाएगी, जब ये सारा प्रोसीजर किया है तो उस बंदे को एक महीना कोमा के अंदर रखा जाएगा ताकि ये सारी रीढ़ की हड्डी में जो गम लगाई है, यहाँ पे जो कटिंग है, इन सबको हील कर दिया जाए। और एक चीज का और ध्यान रखा जाएगा, ये जो स्किन काटी है इसको चिपकाया इतने तरीके से जाएगा, इतनी बढ़िया प्लास्टिक सर्जरी करी जाएगी कि पता ही नहीं लगे कि यहाँ पे कुछ हुआ था। तो अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे दिमाग के अंदर, जो कि शायद मैं आपको आंसर ना कर पाऊं। अगर आप में से कोई आपका दोस्त है डॉक्टर वॉक्टर, उसको जरूर भेजना, वो नीचे कमेंट में जरूर आंसर करें मुझे कि भाई हमारी जो कॉन्शियसनेस है, मैं सोच पा रहा हूं, जो भी कर पा रहा हूं, मेरा भी एक दिमाग है, मान के चलिए मैं फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं हूं। एक बंदा जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है पर उसका दिमाग फुद्दू है, तो हमने क्या किया, हमने उसकी बॉडी ले ली और इसका दिमाग ले लिया और दोनों को जोड़ दिया। अब वो जो बंदा बना वो भाई एकदम परफेक्ट बंदा बन गया। तो जो आत्मा होगी, जो कॉन्शियसनेस होगी, वो किसकी होगी, जिसकी बॉडी है या फिर जिसका दिमाग है। प्लस उस बंदे का दिमाग जो था वो पहले प्रोसेस करता था कि भाई मेरा हाथ जो है वो सिर्फ 5 किलो उठा सकता है, और अब भाई उसके पास नई बॉडी आ चुकी है, अब वो नई बॉडी 50 किलो भी उठा सकती है मान के चलते हैं। तो अब वो 50 किलो उठा पा रही है पर उसका दिमाग कह रहा है तू 50 किलो नहीं उठा सकता, रिजेक्शन आ सकता है। और जो हमारे ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, उनका कहना है कि इसका सक्सेस रेट 90% तक है। तो तभी इस चीज को इतना बड़ा कहा जा रहा है कि भाई एक रेवोल्यूशन होने वाला है। क्या ये चीज पहली बार हुई है दुनिया के अंदर, नहीं। 1908 के अंदर भाई इन्होंने, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, US के अंदर एक कुत्ता लिया, उसकी गर्दन काटी और उसको एक कुत्ते की नेक के साथ जोड़ दिया। अब दोनों की दोनों नेक अलाइव थी, मतलब दो गर्दन वाला कुत्ता। 1940 के अंदर एक मशीन बनाई गई जिसका नाम था ऑटोजेक्टर। भाई उसके अंदर क्या हुआ, एक कुत्ते की गर्दन काटी, उसके बाद उसको जोड़ दिया गया उस मशीन के साथ, और वो उसकी जो गर्दन थी, उसका जो सिर था, वो जिंदा था। उसके बाद उसको वहां से निकाला गया और उसकी बॉडी पे फिर से जोड़ दिया गया और कुत्ता अलाइव था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे और वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सक्सेसफुल नहीं रहे। पर जो हमारे इस बार के साइंटिस्ट है ना, उन्होंने कुछ अलग ही ठान रखा है। अभी कुछ ही महीने के अंदर ये कुछ लाइव बंदों के साथ यही सेम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मतलब एक जिंदा बंदा जिसको पैरालिसिस हो रखा है, उसकी बॉडी काम नहीं करती, और एक बंदा है जिसका दिमाग डेड हो जा रहा है, उन दोनों को बदल दिया जाएगा और देखा जाएगा कि इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस आ रही है वो कहाँ से आ रही है। अब इनके बच्चे हो गए भाई, तो वो किसका जेनेटिक्स लेके आएंगे, बॉडी का या ब्रेन का, बॉडी का, शायद बॉडी का, आप बताइए मुझे नीचे कमेंट के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों को पता लग जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि मैं तो कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा भाई, डॉक्टर आदमी हूँ नहीं मैं। अगर आप में से कोई डॉक्टर हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। ये चीज़ प्रैक्टिकली मैं आत्मा वाली से बात कर रहा हूँ, कॉन्शियसनेस वाली बात कर रहा हूँ, बच्चों वाली बात कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ वाली बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों के अंदर क्या होगा नीचे डिस्कस करते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शब बगैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बाय एंड हैप्पी संडे।